OnePlus 7 Pro, MKBHD का फेवरेट फ़ोन 2019 का एंड इस फ़ोन को मैंने यूज़ किया 3 से 4 घंटे के लिए एंड एक ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आया हूँ। ये एक बहुत ही छोटा सा रिव्यू है एंड मैंने ट्राई किया कि मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँ, बट मेरे से जितना हो पाया मैंने उतना किया एंड अगर मेरे से कुछ चीज़ें छूट जाती हैं आई एम वेरी सॉरी, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ों को रिव्यू करने का पूरा ट्राई किया, मैंने चेक करने का पूरा ट्राई किया, बट अगर कुछ चीज़ छूट जाती है सो सॉरी। क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है एडीपी, आप लोग देखे हो रिव्यू शिव्यू। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। दोस्तों जैसे ही मेरे हाथ में ये फ़ोन आया, जो सबसे पहली चीज़ मैंने नोटिस की या कोई और भी नोटिस करेगा वो है इसका डिस्प्ले। क्वाड HD प्लस 6.67 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है विथ 90Hz रिफ्रेश रेट। दोस्तों ये फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब आप कह सकते हो बाकी जितने भी डिस्प्लेज हैं उन सब में सबसे ज़्यादा अभी तक अच्छा लगा। दो, ये ब्राइट नहीं है इतना ज़्यादा, मतलब ब्राइटेस्ट नहीं आप कह सकते हो, जैसे नोट 10 प्लस का जो पैनल है वो ज़्यादा ब्राइट है ठीक है इससे, बट ये जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है वो इसको इतना ज़्यादा स्मूथ बना देता है, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। छोटी छोटी चीज़ें जैसे आप अगर नोटिफिकेशन बार को नीचे पुल करते हो या फिर आप किसी वेब पेज में स्क्रॉल कर रहे हो या फिर कोई आप गेम खेल रहे हो या छोटे मोटे ट्रांजिशंस ऐप्स के बीच में जब आप स्विच करते हो, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस देगी विद दैट 90Hz रिफ्रेश रेट वाला पैनल, तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि एक यूज़र जो मैक्सिमम टाइम डिस्प्ले के साथ स्पेंड करता है, डिस्प्ले की तरफ देखते हुए स्पेंड करता है, सो जो डिस्प्ले है उसका अच्छा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड वन प्लस वालों ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है डिस्प्ले के मामले में। मतलब जो उसके कलर हैं वो बहुत अच्छे हैं, पंची हैं एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड हैं, मतलब ओवर सैचुरेटेड नहीं है, नॉर्मल जितने होने चाहिए उतने ज़्यादा सैचुरेटेड हैं एंड 90Hz रिफ्रेश रेट इज़ फिनोमिनल एंड आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पाओगे एक नॉर्मल फोन के डिस्प्ले में एंड OnePlus 7 Pro के डिस्प्ले में। दूसरी चीज़, मैंने खेले बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे मतलब मैंने थोड़े स्टिकमैन वाले गेम्स खेले एंड एसफॉल्ट खेला मैंने। सो एक ही चीज़ बोलूँगा, कुछ भी कर लो इसकी परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, मतलब आप कितने भी हाई सेटिंग्स करके गेम खेलो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, नो फ्रेम ड्रॉप्स व्हाटसोएवर। एंड दोस्तों वो वाली जो परफॉर्मेंस है जब वो कंबाइन होकर आती है 90Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ, तो जो आउटपुट है इट्स क्वाइट गुड, मतलब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो जो परफॉर्मेंस एंड डिस्प्ले है वो टॉप नॉच है। दोस्तों तीसरी चीज़ है कैमरा। स्मार्टफोन चाहे कोई भी, उसका कैमरा अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूजर्स आर एक्चुअली कैमरा ओरिएंटेड, कैमरा सेंटर्ड। सो इस फोन का जो कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा एवरेज है, मतलब आप 50,000 पे कर रहे हो एंड मार्केट में आईफोन, पिक्सल, सैमसंग गैलेक्सी, नोट 10 प्लस जैसे कैमराज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो उनके साथ जब आप कंपेयर करते हो तो इसका जो कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा एवरेज लगेगा आपको। एंड मैं आपको एक शॉकिंग चीज़ बताता हूँ, मैं सैमसंग गैलेक्सी S7 यूज़ करता हूँ, मैंने उससे भी 2-3 फ़ोटोज़ क्लिक करी सेम चीज़ की, मतलब सेम सब्जेक्ट की, एंड OnePlus 7 Pro से भी फ़ोटोज़ क्लिक करी एंड मेरे को सैमसंग गैलेक्सी S7 की फ़ोटो ज़्यादा बेहतर लगी। कहीं कहीं जगह पे मैंने देखा जहाँ पे लाइट थोड़ी कम थी वहाँ पे OnePlus 7 Pro का जो कैमरा है वो बिलो एवरेज परफॉर्म करता है, मतलब मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद आया लो लाइट कंडीशन में, एंड नॉट जस्ट लो लाइट अगर रूम लाइट कंडीशन है उसमें भी। एंड जो कैमरा है उसमें वाइड एंगल है दिया गया है, बट जब भी आप वाइड एंगल से वीडियो बनाते हो तो वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा घटिया बनती है, मतलब ट्रैश, ट्रस्ट मी, मतलब आई एम सॉरी आई एम बींग सो हार्श, बट सही में बहुत ही घटिया वीडियो थी वो। लेकिन आप नॉर्मल कैमरा से अगर वीडियो शूट करते हो तो वो ठीक ठाक वीडियो बनती है, नॉट वेरी गुड बट या अबव एवरेज। सो दोस्तों एज अ होल जो बैक कैमरा है, जो रियर व्यू कैमरा है वो इतना खास नहीं है, एवरेज अबव एवरेज है। एंड जो फ्रंट कैमरा है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, स्पेशली जो पॉपअप कैमरा है, पॉपअप सेल्फी कैमरा मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, डिटेल ज़्यादा कैप्चर करता है एंड अच्छा है, लाइक फार बेटर देन द रियर व्यू कैमरा। दोस्तों अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मतलब दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ह्यूज है एंड मैं अगर वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो मेरे को इतना ठीक नहीं लगा, मतलब हाथ में जब आप पकड़ोगे इस फ़ोन को तो काफ़ी ज़्यादा भारी लगता है एट द फर्स्ट इंस्टेंस एंड वेट डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को इवन नहीं लगती है, सो इस मामले में थोड़ा अजीब सा लगा। एंड दूसरी चीज़, क्योंकि काफ़ी बड़ा फ़ोन है
एंड जो डिज़ाइन किया गया है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। इस वे में डिज़ाइन किया है कि आपके हाथ से स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप इस पर कवर डेफिनेटली लगा लेना। उसके बाद दोस्तों इसके डिज़ाइन में और फर्दर बात करूँ तो IP सर्टिफाइड नहीं है ये फ़ोन, मतलब कोई भी IP सर्टिफिकेशन नहीं मिलती है। 2 वाटर टेस्ट किए गए एंड ये पास हो गया है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप मत करना क्योंकि सर्टिफिकेशन नहीं है कोई भी IP की। सो अगर आपका फ़ोन ख़राब होता है तो OnePlus जिम्मेवारी नहीं लेगा। लास्ट चीज़ जो मैं नोटिस कर पाया वो है बैटरी। मतलब ये सारी चीज़ें जब मैं देख रहा था और इनको यूज़ कर रहा था, मतलब कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, तो बैटरी बैकग्राउंड में कम होती जा रही थी एंड बैटरी एवरेज है अगेन। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है एंड सुपर एमोलेड क्वाड HD+ डिस्प्ले, तो जब भी ये सारी चीज़ें एक साथ काम करती है तो जो बैटरी है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, वो पड़ेगा ही क्योंकि 90 हर्ट्स रिफ्रेश रेट आसान बात नहीं है मेंटेन करना ऑल थ्रू आउट। सो आप इसको बढ़ा सकते हो, मतलब जो बैटरी लाइफ है उसको बढ़ा सकते हो, आप इसको 60 हर्ट्स पे कर सकते हो जो 90 हर्ट्स है एंड जो क्वाड HD+ है उसको आप फुल HD में लेकर आ सकते हो, आप फुल HD+ में लेकर आ सकते हो। बट द कैच इज़ इस फ़ोन का USP मेरे हिसाब से इसका डिस्प्ले ही है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बाकी सारे फ़ोन्स में आती हैं आजकल एंड वो भी कम प्राइस पे। सो इसका जो डिस्प्ले है वो इसका USP है। सो बैटरी लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए जब भी आप डिस्प्ले को थोड़ा डिग्रेड करते हो तो आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा एंड ये आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आप क्या करोगे। आप थोड़ी सी कम बैटरी लोगे विथ अ ग्रेट डिस्प्ले और आप एक नॉर्मल डिस्प्ले लोगे विथ अ गुड बैटरी लाइफ। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो चार्जिंग है वो वॉट चार्जिंग है, तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट लाइटनिंग स्पीड के साथ जो फ़ोन है आपका वो चार्ज हो जाएगा। सो आप डिसाइड कर सकते हो कि आप बेटर बैटरी के साथ जाओगे या बेटर स्क्रीन के साथ जाओगे। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कोई LED इंडिकेटर नहीं है, मेरे को अभी याद आया तो मैं बता रहा हूँ। सो आप थर्ड पार्टी आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, बट अगेन LED इंडिकेटर नहीं है इसमें। सो दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस की एंड मेरे को अच्छी लगी एंड ख़राब लगी, मैंने सारी चीज़ें ऑनेस्टली आप लोगों को बता दी। एंड आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपके क्या ओपिनियंस हैं, अगर आप एक OnePlus 7 Pro यूज़र हो तो आप मेरे को कमेंट करके डेफिनेटली बताओ कि आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। दो आई वुड से ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको ऑफर कर रहा है 50K में एंड मेरे को शुरू से ही नहीं लगता था कि ये ज़्यादा महंगा फ़ोन है ना अब लगता है। सो आपके थॉट्स क्या हैं कमेंट ज़रूर करना और बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना एंड जब भी आप सब्सक्राइब करो तो मेक श्योर कि आप जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दो, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, एंटिल देन ओवर एंड आउट।